आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत आज हमारी जो चुनावी यात्रा है ये अमेठी पहुंची हुई है। अमेठी वो जगह जो कभी कांग्रेसियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन उसके बाद अब यहाँ की राजनीतिक समीकरणों की बात करी जाए तो लगभग सभी राजनीतिक दलों के लिए यहाँ पर संभावनाएं हैं, उम्मीद है। 2017 का जो विधानसभा चुनाव इस जगदीशपुर विधानसभा सीट पर हुआ था अमेठी की, यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और मौजूदा विधायक सुरेश मासी जीत कर आए थे और उन्होंने कितना क्या काम किया, कितना विकास किया, इसकी पोल जनता खोल रही है। क्योंकि जनता साफ तौर पर इस बात को कह रही है कि यहाँ पर जो सड़कों पे गड्ढे हैं, जो सड़कों की कनेक्टिविटी है, बिजली है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं हुई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं इस वक्त टू विंडो कॉर्नर यानी दो खेमे में बटा हुआ है, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी ने इस विधानसभा सीट से, इस जगदीशपुर विधानसभा सीट से विमलेश सरोज जी को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। विमलेश जी बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि इस विधानसभा सीट में अभी ये लड़ाई कितनी अहम है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर रास्तों के हालात हैं, जिस तरह से यहाँ पर बिजली की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, मौजूदा सरकार ने और मौजूदा सरकार के विधायक जो कि मंत्री भी हैं उन्होंने कितना काम किया। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आप अमेठी पूरे पार्लियामेंट भर में घूम चुके हैं और आप देख रहे होंगे, और मैं जगदीशपुर विधानसभा की बात बताना चाहती हूँ आपसे कि देख लीजिए, सड़कें ही आपको बता देंगी कि जगदीशपुर विधानसभा में यहाँ के विधायक जी ने कितना काम किया है। और मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आने वाले 27 तारीख को यहाँ की सम्मानित जनता विधानसभा 184 की आप लोगों को बता देगी, सत्ता को बता देगी, यहाँ के विधायक को बता देगी कि हम किसके साथ हैं और हमें यहाँ की जनता का जो प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है। 27 तारीख को साइकिल वाली बटन दबाकर यहाँ की जनता मुझे विधानसभा भेजने का काम करेगी और प्रदेश में मान्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था विमलेश जी कि लगातार आप जनता के बीच जा रही हैं, अब इधर थोड़ा जाइए, आप लगातार जनता के बीच जा रही हैं, यहाँ पर भी आपका एक कार्यक्रम था और जिस तरह से यहाँ पे लोगों को आपने समझाया है, जिस तरह से यहाँ पे लोगों का समर्थन आपको मिला है, ये तो बात हो गई चुनाव के दौरान की, चुनाव जीतने के बाद या फिर वोटिंग वाले दिन ये जनता आपको वोट क्यों करे, जो यहाँ की समस्याएं हैं उन समस्याओं पर आप कैसे काम करेंगी, और प्रमुख समस्याओं की बात करी जाए तो किसानों की भी समस्या है उस पर आपका कितना फोकस है, जो शिक्षा की बात करी जाए प्राथमिक विद्यालयों का स्तर क्या सुधरा है, नहीं सुधरा है तो आप जीतेंगे तो कैसे सुधारेंगे, इन सब समस्याओं को जब आप जनता के बीच जाकर सुन रही हैं तो क्या आश्वासन दे रहे हैं। अगर मुझे यहाँ की जनता, सम्मानित जनता मुझे विधानसभा भेजने का काम करेगी तो मैं वादा करती हूँ जो यहाँ की सड़कें बदहाल स्थिति में दिखाई पड़ रही हैं, सबसे पहले मैं उस सड़कों का दुरुस्तीकरण करूंगी, क्योंकि सड़कों पर आम जनमानस चलता है तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और जो आज सांड और यहाँ के आवारा पशु हमारे किसानों के खेतों को खा ले रहे हैं, उसका प्रबंध किया जाएगा। और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में जनहित की योजनाएं लागू किया था, उनका हर घर तक फायदा पहुंचा है। और इस बार भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि मैं सारी जो हमारे घोषणा पत्र में योजनाएं हैं उन योजनाओं को मैं जनता के बीच में चलाऊंगा, और इसी विश्वास के साथ मैं जनता के बीच में जा रही हूं। और जनता को पूर्ण विश्वास है क्योंकि अखिलेश यादव जी ने पूर्व में भी जो योजनाएं दिया था उसका हर घर तक फायदा पहुंचा है, उसी विश्वास के साथ जनता, यहाँ की सम्मानित जनता मुझे विधानसभा भेजने का काम करेगी। अच्छा, आप एक महिला है, महिला के रूप में आपको प्रत्याशी बनाया गया है, दूसरी तरफ सुरेश पासी भी हैं, और सुरेश पासी के अलावा अगर हम देखें तो स्मृति ईरानी लगातार यहाँ पर आती रही हैं, उन्होंने जनता से खुद को रूबरू करवाया है, समस्याएं सुनी और साफ तौर पर उन्होंने कहा है लखनऊ जाकर के या फिर दिल्ली जाकर के कि बहुत बेहतर विकास इन विधानसभाओं में अमेठी में हुआ है, कितनी सच्चाई है इस बात? कोई भी विकास अमेठी पार्लियामेंट में भर में नहीं हुआ, उन्होंने अपने कार्यकाल में ये वादा किया था कि मैं अगर मैं यहाँ की सांसद बनी तो मैं 13 रुपए किलो चीनी यहाँ पर हर घर को दूंगी, लेकिन आज
आप जनता से पूछ सकते हैं कि जो वादे उन्होंने किए थे क्या वो अपने वादों पर खरी उतरी। यहाँ की जनता से आप पूछिए और इसको आप जनता बताने का काम करेगी आपको। और किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं, क्या क्या प्रमुख मोटिव है दिमाग में, क्योंकि मैनिफेस्टो की बात आपने की, घोषणा पत्र की बात की, बीजेपी ने भी लॉन्च किया, समाजवादी पार्टी ने भी लॉन्च किया, लेकिन एक और अहम लड़ाई में एक राजनीतिक दल है, वो है कांग्रेस। और कांग्रेस साफ तौर पर इस बात को कह रही है कि इस बार हम महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। आप एक महिला प्रत्याशी हैं, क्या कुछ लड़ाई अहम दिख रही है उनके इन बातों से? कोई भी यहाँ पर लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, यहाँ से समाजवादी पार्टी सीधे सत्ता में जाएगी। और मैं कांग्रेस के बारे में आपसे बताना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी भी एक भ्रष्ट पार्टी है। और प्रियंका जी ने भी कहा था मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन उन्होंने अमेठी की चारों विधानसभाओं में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। तो आप देख लीजिए उनकी सत्यता कितनी, उनके अंदर कितनी सत्यता है। यहाँ की जनता भी बता देगी उनको, कांग्रेस को भी, प्रत्याशी को भी बता देगी कि हम किसके साथ हैं, क्योंकि प्रियंका जी ने भी यहाँ पर जो वादे किए थे उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। नतीजे क्या होंगे? बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि इस बार हम फिर 325 के पार जाने वाले हैं, किसी की कोई लड़ाई नहीं है, हम अकेले जीत जाएंगे। नतीजे आपकी नजर में क्या होंगे, और अगर आप जीतती हैं तो जनता को क्या भरोसा दिलाएंगी कि कैसे काम करेंगे? जनता को पूर्ण भरोसा है, जनता ने मुझ पर विश्वास किया है, और जनता 27 तारीख को बता देगी कि हम किसके साथ है। और नतीजे क्या होंगे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के, अगर नजरिए से देखा जाए? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए विमलेश जी। तो ये थी विमलेश सरोज, जो कि इस विधानसभा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, और साफ तौर पर उनका कहना है इस विधानसभा में कोई भी बेहतर विकास और मैं जहाँ भी जा रही हूँ जनता मुझसे सड़कों की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बिजली की समस्या है, कई सारी समस्याओं के बारे में वो बात कर रही है। अब देखना ये होगा कि नतीजे क्या होंगे, कुछ दिनों में यहाँ पर वोटिंग होनी है और जनता का रुझान क्या होगा। फिलहाल हमारा ये जो सफर है इसी तरह से चलता रहेगा, अमेठी के अलग अलग विधानसभाओं में हम जाएंगे और इसी तरह से आपके सामने जो नतीजे हैं, जो रिपोर्ट कार्ड है, जो प्रत्याशी की घोषणाएं हैं वो पेश करते रहेंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ में नितिन पाटिल। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।